हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो स्टूडेंट्स, ये आपके करंट अफेयर्स लास्ट 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स की सीरीज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इससे पहले अगर आपने हमारे 6 to 7 सेट्स नहीं देखे हैं जिनमें हमने मैथ्स, रीजनिंग, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है और आपका कंप्यूटर के बारे में भी हमने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जो आपके पहले ऑलरेडी आ चुके हैं या उनके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं पहले। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा चैनल है गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स और यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। आपको जितने भी आपने तैयारी कर ली है वो ठीक है, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन कैसे बढ़ा सकते हो, आप अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हो। जैसे अगर आपके जो मॉक टेस्ट हैं उनमें आपको 55 से 60 मार्क्स के अराउंड आ रहे हैं और आपको और बूस्ट करने हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हो। अगर आपने ये सब फॉलो कर लिया तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उसके बाद ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जितने भी अभी तक दिल्ली पुलिस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं पिछले 3, 4, 5 सालों से, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन कैसे आ रहा है, पॉइंटिंग वाले आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, डायरेक्शन टेस्ट कैसे, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में, इन दोनों वीडियोज में 5 और 6 में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद ये आपका 4 सेट है जिसमें हमने कंप्यूटर के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद प्रैक्टिस 3, 2, 1, ये सारे आपके 2 मैथ्स के हैं और ये आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट है। देखिए प्रिपरेशन आपकी हो गई है, ठीक है, कहीं और से आप फॉलो कर रहे हो, किसी और यूट्यूब चैनल से या किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। 18-20 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं है और ना हो सके तो आप 1.25x करके भी देख सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, आप कितने पानी में हो, ये सारी चीज़ों के बारे में आप देख सकते हो। और हमने सेफ स्कोर के बारे में भी एक वीडियो डाली थी। इसके बाद हम आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स की वीडियो। उसके बाद स्टैटिक जीके के जो 50 टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो भी हम इसी चैनल पर आज ही डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी लोग न्यू हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे जो भी डाउट हो या जो भी आपका कमेंट हो वो आप हमारे इसी YouTube चैनल पर ला सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी आपका एग्ज़ाम होगा 10th of October को, उसके जो भी क्वेश्चन हमें जहाँ से भी मिलेंगे, जिस भी बच्चे से बात हो गई, हम वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख देंगे। तो चलिए अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम आखिरी 4 महीनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 4 महीनों के करंट अफेयर्स देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। अगर आपने दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव वाला एग्जाम दिया होगा तो आप ज़रूर बोलोगे कि बहुत अच्छे करंट अफेयर्स हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत लगी है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैथ्स रीजनिंग की वीडियोज हर जगह मिल जाएंगी लेकिन करंट अफेयर्स की वीडियो कहीं कहीं मिलेंगी। और देखिए 4 महीनों के 50 बेस्ट करंट अफेयर्स हैं और मैं आपसे यही बोलूंगा कि क्वेश्चन को पढ़ के वीडियो पॉज करके उसका आंसर बताइए जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। उसके साथ साथ जो ये PDF होगी ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड कर देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारी पहली जितनी भी वीडियोज़ हैं ऑलमोस्ट सभी में हमने वो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो ऐड कर दिया है। अभी 1-2 दिन पहले हमने स्टार्ट किया है, सोचा कि जितनी भी PDFs होंगी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से देख सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके करंट अफेयर्स के बारे में। तो आप देख सकते हो मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स दिल्ली पुलिस के लिए हैं, चाहे आप AWO, TPO, ड्राइवर, दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये इन सब चीज़ों में हेल्पफुल होगा। उसके बाद देखिए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच सिटी इज सेलेक्टेड, ये क्वेश्चन आपको पहले पॉज करना है, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और देखिए स्टूडेंट्स जो आपके ये क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ये आपके पेपर में पूछे जाएं। तो देखिए क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, कौन सी सिटी है जो सेलेक्ट हुई है पहली बार होस्ट करने के लिए ISSF वर्ल्ड कप राइफल और पिस्टल वाला, जो कि आपका मार्च 2023 में होने वाला। तो देखिए अनाउंसमेंट अभी हुई है, अभी मीन्स 2-3-4 महीने पहले, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाला है और ये इंडिया को पहली बार मिला है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका आंसर बेंगलोर, हैदराबाद, भोपाल या गुड़गांव, तो जो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भोपाल। देखिए जो आंसर्स होंगे वो PDF में लास्ट में भी हम प्रोवाइड कर देंगे और अगर आपको यहाँ से करने हैं तो हम इसे डायरेक्टली सेव कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच स्टेट हैज अनवील्ड द मैप ऑफ 29th डिस्ट्रिक्ट। काफी चर्चा में था ये, 29वें डिस्ट्रिक्ट अपना बना रहे हैं स्टेट की, और जिसका नाम क्या रखा, मोहला मानपुर अम्बागढ़। क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल में भी बात चल रही है कि वो 4-5 डिस्ट्रिक्ट और ऐड करेंगी, लेकिन ये सिर्फ पर्टिकुलर एक ही डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रही है, और वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, मोहला मानपुर अंबागढ़। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड स्टील फ्रिगेट, ये फ्राइगेट नहीं है, फ्रिगेट है, FRIGATE फ्रिगेट, द इंडियन नेवीज प्रोजेक्ट जो 17A आपका प्रोजेक्ट है उसके अंडर अभी अभी थर्ड आपकी जो स्टील फ्राइगेट है, FRIGATE फ्राइगेट है, वो लॉन्च की गई है, उसका क्या नाम था, आपका क्वेश्चन ये है, इसे लिख लीजिएगा फ्राइगेट, FRIGATE इसे लिख लीजिएगा, और आंसर बताइए आपका क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तारागिरी या तारनगिरी इसे बोलते हैं। शिवालिक करंज INS तलवार, INS तलवार पे भी एक करंट अफेयर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आपके INS तारनगिरी है ये आपका अभी अभी लॉन्च हुआ, तो इसके भी काफी ज्यादा चांसेस हैं आपके पेपर में आने के। और देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिनके 80% चांसेस है कि पेपर में ये आए, काफी शिफ्ट होने वाली है, क्या पता ये सारे ही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि हमने अच्छे से अच्छे करंट अफेयर टॉप 50 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, और देखते हैं 50 करंट अफेयर्स हम और सोच रहे हैं कि आपके लिए और बना दें, क्योंकि इसमें टाइम लगता है काफी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन फोर देखते हैं, कौन सी इंडियन नेवल शिप है जो कि डीकमीशन करी गई है जून 2022 में। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें आपको महीना भी दे दिया जाएगा, INS गंगा, INS निपात, INS निशांक, INS अक्षय, INS खुकरी, INS संध्याय, INS गोमती, INS रंजीत। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा INS निशांक एंड INS अक्षय। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए, इंडिया फाइंड अ डील विद विच वन ऑफ द फॉरेन कंट्री टू सप्लाई MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है जो कि इंडियन नेवी को दिए जाने हैं। ये भी काफी ज्यादा न्यूज में, क्योंकि ये जो है ये वो कंट्री सिर्फ एक ही कंट्री को दे रही है और वो है इंडिया। तो ये कौन सी कंट्री है जो सिर्फ इंडिया को ही सप्लाई कर रही है इसे MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स, ये आपके USA है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल ट्राइब्यूनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए ये भी अभी बना है, अभी 3-4 महीने पहले ही बना है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला देखिए, टोयोटा मिराज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये अकेली गाड़ी है जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन पे चल रही है, मैंने आंसर ही बता दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा 7C, ये पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूल व्हीकल है विच इज कम्प्लीटली पावर्ड बाय हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली इंडिया कमीशन पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये कहाँ पर लगाया गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सबसे पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके बाद रिसेंटली अभी अभी जो जन समर्थ पोर्टल है ये भी लॉन्च किया गया, ये किसके लिए है, जन समर्थ जो आपका पोर्टल है ये आपका पोर्टल क्या है, लिंक टू गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट की क्रेडिट स्कीम्स होंगी उनसे लिंक किया गया है, इसलिए इसे जन समर्थ पोर्टल नाम दिया गया है। अगला देखिए, कौन सा पहला स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट किया है UCC, जिस पर बहुत चर्चा है, बहुत ज्यादा डिबेट है, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिपेंडेंस के बाद, तो कौन सा वो स्टेट है जिसने पहली बार इम्प्लीमेंट करने का प्लान किया है या सोचा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अगला देखिए, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIFF, ये क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो ये क्या आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा कल्याण चौबे, ये जो बहजोंग भूटिया हैं ये इससे पहले थे, लेकिन अब कौन आ गए हैं, कल्याण चौबे आ गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे, सबको पता होगा वेटलैंड डे कहाँ पे, रामसर साइट्स होती हैं, 1971 में स्टार्ट हुआ था ये, जो वेटलैंड्स हैं उन्हें कंजर्व करना है हमें, ये सारी चीजें, और ये कहाँ पे है, ईरान में है, ईरान का शहर है जिसका नाम रामसर है, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपका करंट अफेयर है। तो जो आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो क्या है आपका, किस दिन आता है, तो हम मनाते हैं उसे 2 फरवरी को, और देखिए इम्पोर्टेंट
क्योंकि अभी रिसेंटली पहले क्या थी आपकी 54 साइट्स थी, पहले 54 साइट्स थी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि 10 साइट्स और ऐड कर दी गई हैं और टोटल अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो 64 आपकी रामसर साइट्स इंडिया में, लेकिन 4 5 6 महीने पहले की मैं बात करूं तो 54 साइट्स थी हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन अंकल वॉज इनिशिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय, ये अंकल नहीं है, दिस इज ऑपरेशन संकल्प, ये आप लिख लीजिएगा, SANKALP, ऑपरेशन संकल्प है आपका, ये शायद टाइपिंग एरर हो गया है, ऑपरेशन संकल्प ये किसने किया है? ऑपरेशन संकल्प जो है आपका, ये आपका इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द KH-47M2 किंजाल, ये किया है कि न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है, काफी ज्यादा न्यूज में है क्योंकि अभी तक पूरे वर्ल्ड में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल यूज हुई है किसी भी अटैक में। किसने की थी? रशिया ने की थी। किसके ऊपर की थी? यूक्रेन के ऊपर की थी। आंसर क्या हो गया? रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रेसलर है जिसने हैट्रिक मारी है, लगातार 3 बार कॉमनवेल्थ गेम्स जीता है, तो वो कौन सा रेसलर है आपका? वो है आपका रेसलर विनेश फोगाट। ये अकेली ऐसी रेसलर है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3 साल, कंसेक्यूटिव 3 साल अपना मेडल जीता है। और वो कौन कौन से साल हैं? वो है आपका 2014, 2014 के बाद 2018 और 2022। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन ट्विन मेडल्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि 2 मेडल्स कितने जीते हैं, कहाँ पे? वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 गेम्स में, अंडर 20 गेम्स हुए थे वर्ल्ड एथलेटिक्स में, किसने 2 मेडल जीते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये किसने जीते हैं? ये आपके जीते हैं रूपल चौधरी ने, 2 मेडल लगातार, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि 2 मेडल जीते हैं लगातार। थोड़ा सा वर्ल्ड एथलेटिक्स के बारे में भी देख लीजिएगा। उसके बाद है, कौन अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी, चीफ सॉरी चीफ ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC होता है जो आपका, उसका कौन अपॉइंट किया गया है और ये किसने किया है? जो हमारी अभी अभी प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू ने एट राष्ट्रीय भवन। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुरेश पाटिल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल रामसर साइट्स कितनी है करंटली इन इंडिया, यही क्वेश्चन था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में पिच ब्लैक, ये आपका एक्सरसाइज है पिच ब्लैक, ये कहाँ पे होगी? इम्पोर्टेंट ये है कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइज बहुत सारी कंट्रीज आ रही हैं, इतनी सारी कंट्रीज को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है कि ये होगी कहाँ पे, कंडक्ट कहाँ करी जा रही है, तो ये आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। उसके बाद देखिए, बंगाली निर्मला मिश्रा, ये कि एक एमिनेंट पर्सनैलिटी थी, अब भी रिसेंटली पास्ट पास्ड अवे हुई हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि ये कब, ये क्या इनका प्रोफेशन था? काफी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो एमिनेंट पर्सनैलिटी, जो फेमस लोगों की डेथ हो जाती है, वो एक्चुअली में क्या उनका काम था, प्रोफेशन था? तो आप बताइए, गिटार बजाते थे, वायलिन सिंगिंग सिंगर थे, सिंगर थी, या फिर आपका राइटिंग करती थी, राइटर थी? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सिंगर, वो एक सिंगर थी। अगला देखिए, हु इज अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुचिरा कंबोज। आगे देखिए, इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंडियन हेरिटेज सेंटर है जो आपका, इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर, और एक पर्टिकुलर स्टेट बोल लीजिए या सिटी बोल लीजिए, ये दोनों मिलके आपका इसे बना रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ और इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, ये दोनों मिलके इंडियन एयरफोर्स और चंडीगढ़ हेरिटेज सेंटर बना रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, कहाँ पे? चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो वर्ल्ड बैंक हो गया या जो आपके इंटरनेशनल जितने भी आपके ये यूनियंस हैं इनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन WTO हो गया, जैसे WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, अपॉइंट हुआ कौन गया, ये सारी चीजें, और अगर इसमें कुछ भी इंडियंस आ गए तो फिर आपके क्या है कि 90% चांसेस होते हैं कि ये किसी ना किसी पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रमित गिल, जो ये हैं कैरमेन रेनल्ट, इनके बाद अब इंद्रमित गिल आए हैं।
उसके बाद है कौन सी कंट्री होस्ट करेगी आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025। 2025 का आईसीसी वुमेन्स ओडीआई ये कौन सी कंट्री होस्ट करेंगी? तो देखिए इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान को हटाई दीजिए, छोड़िए पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन रैंक्ड एज नंबर वन। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि नंबर वन कौन था T20 बैटर इन द आईसीसी वुमेन्स T20 प्लेयर रैंकिंग। तो जो आपके आईसीसी T20 जो रैंकिंग आई है रिसेंटली, उसमें टॉप किसने किया है? मैग लेनन, स्मृति मंदना, शेफाली वर्मा या बेथ मूने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैग लेनन। स्मृति मंदना और शेफाली वर्मा ये क्या आपके, स्मृति मंदना आई थिंक ये फोर्थ नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे कौन है? मैग लेनन। आगे देखिए, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट चलाएंगी, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट ऑन पायलट बेसिस? तो ये कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ये कौन सा अपॉइंट कर रहा है अभी नया पायलट प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है आपका आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब पहली तरह का खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स, फेंसिंग में कौन थी? आई थिंक आपको पता होगा जो ओलंपिक्स में गई थी और फर्स्ट टाइम जीत गई थी, सेकंड टाइम वो हार गई थी। तो वो जो थे उनके बेसिस पर ही जो होस्ट किया जा रहा है अब और काफी ज्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि आपकी खेलो इंडिया में कौन थी, ये आपकी न्यू दिल्ली में होने वाले हैं आपके इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग, जो आपकी वो तलवारबाजी होती है आपने देखा होगा ड्रेस पहन के। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कि फर्स्ट है जो कि सर्टिफाइड हुई है हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट में से? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट या सिटी है जो हर घर जल से सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट या सिटी बनी है ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में कौन सी है? वो है आपकी बुरहानपुर, ऑप्शन सी। अगला देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एंड 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। जो राजपाक्से साहब थे वो तो निकल लिए थे पहले, उसके बाद अभी कौन आए हैं? तो ये हैं आपके दिनेश गुनारवर्दना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, और रनिल विक्रमिंग से जो भी ये नाम है, ये क्या है, ये वहां के प्रेसिडेंट है, ये वहां के प्रेसिडेंट है और ये अब क्या बन गए, ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि क्राइसिस थी, इंडिया ने काफी हेल्प करी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उन्हें उनका रेजिग्नेशन होने के बाद नेक्स्ट कौन आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड ऑन न्यू प्रेसिडेंट बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट किसको चुना गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैफ अहमद। कौन हो जाएगा? सैफ अहमद। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्टेट ने टॉप किया है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स इन मेजर स्टेट्स? आपको पता होगा मेजर स्टेट्स, माइनर स्टेट्स और आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं या माइनर स्टेट्स जो होते हैं, ये दो तीन कैटेगरीज में आपकी नीति आयोग निकालता है। देखिए नीति आयोग के काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं क्योंकि काफी एमिनेंट जो हमारा ये आयोग है ये काफी बनता जा रहा है और काफी वैल्यूएबल भी है। तो इसमें क्या होता है कि कंपटीशन हो जाता है स्टेट्स के बीच में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर आपको याद करके जाना है। तो इसका जो करंट है वो तो है आपका कर्नाटका, कर्नाटका ने टॉप किया है, दूसरा नंबर तेलंगाना का था, तीसरा हरियाणा का और चौथा नंबर था आपका महाराष्ट्र का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, और अब देख लीजिएगा जो मिनी स्टेट्स है या जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वो शायद आपका मणिपुर ने टॉप किया है, एक बार ये कंफर्म कर लीजिएगा मणिपुर, और जो आपके यूनियन टेरिटरीज है उसमें आई थिंक आपका चंडीगढ़, हाँ चंडीगढ़ ने टॉप किया है, ये चीज आप देख लीजिएगा चंडीगढ़ और मणिपुर। अगला देखिए, इंडिया साइंड एंड मेमोरेंडम, साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया गया है, काफी न्यूज में है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, MOU साइन किया गया है फॉर द रीइंफोर्समेंट, मतलब हमें फिर से चीता चाहिए, तो उसके लिए कौन सी कंट्री से हम चीता मंगा रहे हैं? तो देखिए ऑप्शन केन्या, नम्बिया, कोलंबिया, सीरिया, सारे ईया वाले कैलकुलेट कर दिए हैं, तो बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है राइट आंसर? इसका जो देखिए राइट आंसर है वो है आपका नम्बिया। आपको ये पॉज करके तब आपको ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू कनेक्ट द व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, ये क्या आपका व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस है, विद एमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट टीम, ये कौन सा स्टेट है जो पहला बनाए? तो देखिए इसमें क्या है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया की कौन सी रैंक है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में देखिए काफी फ्लक्चुएशन हो रही थी, 85, 83,
अब बताइए जो अभी रिसेंटली आया है उसमें कौन सी रैंक है इंडिया की। तो जो इंडिया की रैंक है वो है आपका 87। ये क्या है कि इतने कंट्रीज में हम वीजा फ्री जा सकते हैं, ये हेनली पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को। दूसरा टॉप किसने किया है, एज ऑलवेज हमेशा की तरह किसने किया है, जापान ने। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल मून डे, इंटरनेशनल चांद का दिन भी आ गया है। अ यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल डे टू बी ऑब्जर्व एनुअली, हर साल ये हम मनाएंगे अब इंटरनेशनल मून डे। तो चांद का दिन कौन सा है बताइए, कौन सा है चांद का दिन? तो चांद का दिन आपका कौन सा है, चांद का दिन है आपका 20 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जो आपकी ओलंपिक काउंसिल है एशिया की, अनाउंस क्या किया उन्होंने, टू पोस्टपोन द 19th एडिशन। ये क्या TO2 है, इसमें क्या हुआ है कि जो आपकी ओलंपिक काउंसिल एशिया की, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था पहले एशियन गेम्स को, लेकिन अब फिर से उन्होंने डेट निकाली है सितंबर 2023 में। तो ये कहाँ पे होंगे, एशियन गेम्स है, कॉमन सेंस है एशिया में होंगे पहली चीज, लेकिन सारे ऑप्शन ही आपके एशिया के हैं, मलेशिया, चाइना, जापान या इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, चाइना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्टेट है, विच स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द फर्स्ट लोक डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया। तो कौन सा है आपका पहला स्टेट जिन्होंने लोक अदालत स्टार्ट की है। तो देखिए कहाँ पे हुई होगी, कॉमन सेंस लगाइए, सबसे पहले जहाँ आपके जो पंचायत सिस्टम था वो आया था, कहाँ पे आया था, राजस्थान में आया था। कब आया था, 1959 में आया था। कहाँ पे आया था, नागौर में आया था। ये सारी चीज याद कर लीजिए, तो इसका भी जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन क्राउंड एज मिस सुपर नेशनल एशिया 2022, ये कौन अपॉइंट की गई है, ये कौन क्राउन है, कौन जीती है इसे? ये जीती है आपकी रितिका, रितिका आई थिंक कंपनी समथिंग कुछ नाम है, जस्ट अ सेकेंड। तो इसका जो नाम है वो है रितिका खतानी, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, रितिका खतानी, KHATANI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंट्री है जो इनोग्रेट कर रही है इजमुद्दीन सी लॉक, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी लॉक। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री इसे कर रही है, ये है आपका नीदरलैंड्स, दी नीदरलैंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्टेट है जो कि पहला और ओनली स्टेट बना है पूरे कंट्री में, दोज हु हैव स्टार्टेड इट्स ऑन इंटरनेट सर्विस, खुद का इंटरनेट सर्विस जिन्होंने स्टार्ट किया है। इसका आंसर है आपका केरला, केरला ने स्टार्ट किया है। जगृति क्या है, एक मास्कोट है, ये लॉन्च किसने किया गया है, जगृति किसने लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। क्यों किया गया है, जो आपका आपने शायद स्लोगन सुना होगा जागो ग्राहक जागो, तो ये उसी के रिगार्डिंग है, जागो ग्राहक जागो, जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में बताने के लिए जगृति स्टार्ट किया गया है। उसके बाद देखिए, कौन सी सिटी है जो कि डिक्लेयर की जाएगी पहली कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल ऑफ द SCO, काफी अच्छी अचीवमेंट है। SCO की पहली कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल कौन सी जो हमारी सिटी है वो अनाउंस की गई है, मदुरई, वाराणसी, इंदौर या कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हरियाणा में, इंदौर आपका MP में, वाराणसी UP में। और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाम से डिक्लेरेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, नाम से डिक्लेरेशन जो कि अभी न्यूज में था। ये क्या था, नाम से डिक्लेरेशन एक तरह से जो आपकी बाउंड्रीज है, स्टेट्स की जो बाउंड्रीज है उसके बीच में था, काफी सालों से, काफी दशकों से, डिकेड्स मतलब होता दशकों से आपका डिस्प्यूट चला हुआ था, कौन कौन से दो स्टेट्स के बीच में चला हुआ था। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। अगला क्वेश्चन देखिए, जो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का जो यूथ स्किल डे है ये कब मनाया जाता है, ये है आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है। जल्दी जल्दी बता रहे हैं आप लोगों को, वीडियो को पॉज करके आपको देखने हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही थे। पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे है इंडिया में जो बनाया जाएगा, फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इन इंडिया टू बी बिल्ट इन, बेंगलोर, गुरुग्राम, दिल्ली या इंदौर, बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा आपका दिल्ली, कहाँ बनाया जाएगा पहला ई वेस्ट इको पार्क, दिल्ली में। उसके बाद है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, कौन सा स्टेट इंडिया में जिसने स्टार्ट किया है प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सेंटर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, कौन सा पहला स्टेट है जिसने ये स्टार्ट किया गया है, सबसे पहले इनिशिएटिव कौन से राज्य ने लिया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड ने पहला राज्य बना है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले कंट्री में लागू करेंगे। उसके बाद इंडिया की क्या रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, तो
तो इसमें बताइए क्या क्या रैंक हो सकती है हमारी जेंडर गैप इंडेक्स में। ये जो आपका आंसर है ये है 135, 135 रैंक है हमारी 143 कंट्रीज में से, 143 में से 135 रैंक है हमारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की है, इंपॉर्टेंट हो ही जाती है अपने आप ही। उसके बाद देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट टू कंप्लीट द एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम। पहली कौन थी लड़की की बात हो रही है जो ने जिसने सबसे कम उम्र में कंप्लीट किया है एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम है, जो कि आपका एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर एट क्राकोव साउथ पोलैंड में किया गया था। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका जानवी दंगेती, ऑप्शन ए। अगला कोई सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन डे ये है, आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, 1 और 11 पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 जुलाई। अगला देखिए खर्ची पूजा, देखिए एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस है, जो भी आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं या जो भी आपके हिमालयन उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो ये जो सारे आपके स्टेट्स हैं इन सब में जितने भी आपके फेस्टिवल्स होते हैं, ट्राइबल फेस्टिवल्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं, बिकॉज ये क्या है कि सबको नहीं पता होता, तो एसएससी के फेवरेट टॉपिक होते हैं, कोई ना कोई जो आपका फेस्टिवल है उससे क्वेश्चन पूछना। तो जो खर्ची पूजा है ये क्या है, प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल फेस्टिवल है कौन से राज्य का, तो ये आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, त्रिपुरा का ये आपका फेस्टिवल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था, ये हमारे टॉप 50 करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे, एंड आई थिंक आप लोगों को काफ़ी मजे आए होंगे, और मजे तो तब आएंगे तब आपके आप अपने मार्क्स बताओगे कितने मार्क्स हैं आपके 50 में से। तो चलिए उसके साथ साथ थैंक यू फ्रॉम गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स, ये हमारा चैनल का लिंक है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, और उसके बाद ये आपके आंसर्स हैं, इन आंसर्स को आप देख सकते हो, और आपका जो 8th ऑप्शन है, शायद आपका 8th का डी दिखाया हुआ है यहाँ पे, लेकिन उसका आंसर शायद कुछ और है, आप देख लीजिएगा एक सेकेंड। 8th क्वेश्चन आपका देख लीजिए, 8th क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी है, आपका डी नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो आप ये देख लीजिएगा, उत्तराखंड है जहाँ पे पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया है। तो स्टूडेंट्स चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके स्टैटिक जीके के वीडियो में, आई थिंक काफ़ी अच्छी वीडियो रही है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो एग्ज़ाम में, क्योंकि 10 शिफ्ट हैं, काफ़ी 10 दिन हैं, काफ़ी शिफ्ट है, तो इतने जो शिफ्ट्स होंगे उनमें ये तो नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चन आए, तो आप ये समझ लीजिए जितना भी आपके पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स हैं वो सब पूछे जाएंगे। हमने छोटी सी कोशिश है, 4 महीने के कंट्रोल किए हैं अभी, इसके बाद प्लान करेंगे, अगर आपका सपोर्ट आया, अगर आप लोग ट्रस्ट करते हो, तो नेक्स्ट 4 मंथ्स के हम करंट अफेयर्स लेके आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आज जिन जिन बच्चों का एग्जाम सिटी और सेंटर आ जाए, जिनका 10 को एग्जाम है, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे और भी हमारे काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको हेल्प हो जाएगी, और अगर आपका एग्जाम वहीं पे है सेम सिटी सेम सेंटर, तो आप लोग उनके साथ भी जा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।